नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा नोखा के, आज मैं आपको बाजार के हालात दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो नोखा में किस प्रकार बाजार के माहौल है और क्या भीड़ है किस नहीं। अब मैं अभी घर से बात कर रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हो। एक बार कैमरा मैन श्रीवेदन को घासीराम जी तिवारी की जो दिखा दे रहे हो, गुटके तंबाकू की वीडियो और सिगरेट ये जब बिक रहे हैं यहाँ पर है। जैसे आपको पूरा नोखा के दिखाऊंगा, कल जैसे ओपनिंग हुई कल कितनी भीड़ हुई थी वो मैं दिखाई, लेकिन आज भी वो माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन कितनी लंबी कतार है, कम से कम यहाँ से देखने जाएंगे ना, यही जहाँ रोड खत्म होती है जिस पेंट यहाँ से टन भी बारे में आपको पूरा दिखाएंगे पूरा। एक बार कैमरा मैन से निवेदन करूँगा इसके साथ साथ पूरा दिखाना कितनी दूर तक लाइन है, एक बार लास्ट तक दिखा दो जहाँ तक लाइन है। एक बार जैसे आप लाइव देख पा रहे हो, पूरा का पूरा दिखाने का उद्देश्य ये है, आप घर बैठे देख पा रहे हो। लेकिन हालांकि एक साथ इतनों को आने की आवश्यकता क्या हुई वो भी मैं बताऊँगा। एक साथ आने क्यों हो सकता है, इसे 2.5 से 3 महीने बाद एक साथ ये खुला है, जैसे छूट मिली है गुटके तंबाकू की, लोगों को होड़ भी है। जैसे इसके साथ में ये बता दूंगा, लॉकडाउन में लोग गुटको और सिगरेट और बीड़ी की कालाबाजारी भी बहुत देखने को मिली थी, उसके बारे में कंप्लेंट भी बहुत बार की थी हमने राज्य सरकार केंद्र सरकार से, उसके बारे में बताया भी था। लेकिन ये देखने को बहुत मिल रही है जैसे यहाँ पर, और साथ साथ एक चीज़ और देखा जा रहा है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है, सोशल डिस्टेंस का अहम ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पर कोशिश की जा रही है सोशल डिस्टेंस की पालना करने की, जैसे आप देख पा रहे हो सोशल डिस्टेंस की पालना करने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहाँ पर एक बार राउंड के टर्न मारा रोड तक जाकर ना, आगे कितनी दूर है। जैसे आप देख पा रहे हो रोड से टर्न मारने के बाद भी लास्ट तक जाओ, एक बार दिखो ये रोड के टर्न मारने अभी तक लाइन बढ़ती जा रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हो लाइन अभी 9:30 हुआ है, लाइन अभी तक बढ़ रही है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग आए हैं, शहरी क्षेत्र से भी आए हैं जैसे आप देख पा रहे हो। और मास्क का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, हालांकि इन दुकानों में देखा जा रहा है। जैसे मैं और भी यहां से बात करूंगा, लोगों का क्या कहना है, किस प्रशासन का क्या कहना है, लोगों से बात करेंगे। सर आप कहां से आए हो? रोड़ा। क्या लेना है? तानसेन। वो भी एक दे रहे हैं, एक ही दे रहे हैं। 5-10-7 में दे दें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक पैकेट दे रहा है, 4 घंटा से लाइन में खड़ा रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, क्या रेट में मिल रहा है अभी? 210 रुपया। 210 रुपये में रेट मिला, मतलब पुरानी रेट वापस पुरानी रेट वापस आ गया। तो जैसे अब इतने खड़े हो एक साथ, क्यों इतने एक साथ आए हो? तो क्या करें, एक एक देते हैं, एक पैकेट डेली का बिक जाता है, एक पैकेट डेली का बिक जाता है ये बताया जा रहा है। हम पुलिस प्रशासन से भी बात करेंगे, जैसे आपको बताऊंगा उनका क्या कहना है किस प्रकार है। जैसे कि आप देख पा रहे हो पुलिस प्रशासन, नौका पुलिस प्रशासन पूरी तैनात है, सोशल डिस्टेंस का एम ध्यान रख रहा है। हालांकि प्रशासन से बात करें, पुलिस प्रशासन से बात करेंगे किस प्रकार कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि कल देखने जाइए बेकाबू भीड़ हो रही है नौका की जनता। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र इनसे बात करेंगे क्या कारणों से हुआ है। सर जैसे कि आप देख पा रहे हो इस गली में, गुटका बाजार वाली गली में ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है, ये किस प्रकार कंट्रोल कर रहे हो, लोगों को किस प्रकार आप समझाइश कर रहे हो? पिछले कुछ दिनों से लॉकडाउन के दौरान जर्दा और बीड़ी पर बैन था, इस वजह से इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई है, और ये बैन एक दो दिन में जैसे खुला है तो पब्लिकली जो बाहर गांव से और आके परचेजिंग कर रहे हैं, और इसकी वजह से यहाँ भीड़ मेंटेन हो गई है। हमने पूरा सोशल डिस्टेंस की पालना के लिए हमने पूरा इंतज़ाम कर रखा है और सबको समझाइश की जा रही है। इसके बावजूद भी अगर नहीं रखेंगे तो निर्धारित हमारा जो जुर्माना है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, उसकी रसीद भी हम काट के देंगे इनको। जैसे कि ये कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालना नहीं की जाएगी उसकी रसीद भी काटी जाएगी, लेकिन दुकान की खोलने की कोई टाइमिंग दी है, कितने टाइमिंग पे ये खोले जाएगी? जनरल रूप से दुकान खोलने का जो टाइम जो है वो निर्धारित गवर्नमेंट ने जो खोल रखा है उसी अनुसार है। अगर भीड़ कंट्रोल ना होगा तो कल की तरह बीच में बंद करोगे? अगर सोशल डिस्टेंस की पालना अगर नहीं हो पाई और भीड़ अगर बेकाबू होगी तो जो आवश्यक कदम उठाए जाएंगे वो उठाए जाएंगे। धन्यवाद। जैसे आप देख पा रहे हो साथ ही साथ इस गोली में, इस रोड पर जैसे 4-व्हीलर व्हीकल आ रहे हैं, हालांकि ये एक मानता हूँ बाजार का माहौल है, ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं इसलिए ही दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हम उनसे बात करेंगे दुकानदार से, उनका क्या कहना है। जैसे कि मैं आपको पूरा हालात दिखा रहा हूँ तिवारी जी यहाँ पर, और यहाँ सर से भी बात करेंगे कितने क्या क्वालिटी कितने दे रहे हैं क्या नहीं, जैसे बात करेंगे सर। जैसे कि सर एक बात करेंगे, लॉकडाउन में जैसे लॉकडाउन के बाद ये दुकान पहली बार कल खुली थी, उसके बाद आज खुली, तो ये भीड़ एक साथ इतनी कंट्रोल हो रही है, किस प्रकार आप कंट्रोल कर रहे हो, या कितनी वैरायटी एक कस्टमर को आप दे रहे हो? रजनीगंधा तुलसी और जाफरी दे रहे हैं। क्या कह रहे हो? रजनीगंधा दे रहे हैं, तुलसी दे रहे हैं, जाफरी दे रहे हैं। एक आदमी को कितनी क्वांटिटी में दे रहे हो, मांगे उतनी या? हाँ हाँ उतनी। कितने मांगे, चाहे 4, 5, 1, 2? 5, 1, 2, 3।
चार पाँच जो अभिमान का। क्या रेट में कुछ डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। क्या रेट है आज की तारीख में? आज तक 850 350 350 और तानसेन के 220। जैसे ये कह रहे हैं पुरानी रेट में वापस आया, हालांकि लॉकडाउन जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार से छूट मिली है, पुरानी रेट में वापस आया। एक और है, इससे हो सकता है लॉकडाउन में सभी को समस्या जो आई थी वो वापस नहीं आए, और ये पूरा सोशल डिस्टेंस मास्क जैसे देख पा रहे हो, पूरा मास्क हैंड ग्लव्स जैसे इनके दिखाना एक बार, हैंड ग्लव्स और मास्क और सभी यूज किया हुआ है जैसे आप देख पा रहे हो। दूर दूर रखना भैया, भाई साहब थोड़ा आप कह रहा हूँ आपका, एक फुट हाथ का दूर रखो। सर आप क्या लेने आए हो? हम गुटखा पुड़िया लेने आए सर। अच्छा, क्या नाम आपका? पवन। सर एक बात जाना, तो अभी गुटखा पुड़िया लॉकडाउन में पूरा बंद था तो भी क्या काला बाजारी मिल रहा था या नहीं मिल रहा था? काला बाजारी में तो मिल रहा था। मिल रहा था, तो आज आपको गुटखा बाजारी मिल रहा है तो आप क्या लेना है? विशेष तौर पर सभी लेना है या कुछ विशेष? नहीं, वो सभी लेना है मैं तो। अच्छा, कितने बजे यहाँ पे आके खड़े हुए थे आप? मेरे को 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए, यानी सुबह दुकान खुलने से पहले आ गए थे? जी सर। लोग दुकान खुलने से पहले यहाँ आए हुए हैं, लॉकडाउन से पीड़ित थे, कालाबाजारी से लोग परेशान थे, इसी वजह से आए हैं। और मैं देखता हूँ, कोशिश करूँगा नोखा का पूरा हालात दिखाऊंगा किस प्रकार का आज का माहौल है। मेरा उद्देश्य ये है, आप सभी घरों में रहिए, सोशल डिस्टेंस का पालना कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 मिनट में हाथ बार बार धोते रहिए। सभी से निवेदन करूँगा नोखा वासियों, जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार का जो आदेश आता है उसकी पालना करें, हमारे यहाँ नोखा SDM की जो आदेश आता है उसकी भी पालना करें। जय हिंद, वंदे मातरम।